आप सभी को नमस्कार, मैं मोहित। जनसरोकार मंच की इस अगली कड़ी में आज डॉक्टर विश्वनाथ, प्रभारी प्राथमिक चिकित्सक, हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कोरोना महामारी के दौर में रोग से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हमसे अपने विचार साझा करेंगे, हमें उनकी जानकारी देंगे। तो बिना किसी देरी के मैं सर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर, आप सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो जन सरोकार मंच, जो कि टोंक में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से चल रहा है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। ये कोरोना महामारी, जो कि एक वैश्विक महामारी बन चुकी है आज, उससे पूरा विश्व त्रस्त है और सभी अपने अपने स्तर पर इसका उपचार ढूंढने में लगे हुए हैं। सभी देश, वैज्ञानिक, इससे बड़े विकसित देश, दुनिया के विकसित देश भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हमारा भारत देश उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बीमारी को सही तरीके से, जिसको कहें कि हैंडल करने में या इससे इसकी चुनौती से निपटने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी आदि का जो लोगों में विश्वास है, और हमारी सरकारें भी उस तरफ ध्यान दे रही हैं, तो इससे लोगों का विश्वास होने के कारण उन्होंने अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखा, जिससे कि लोग बाग इस बीमारी से कम प्रभावित हुए। इसी क्रम में हम आज चर्चा करेंगे कि इस बीमारी से कैसे तो हम बचाव करें, क्या क्या सावधानियां रखें जिससे कि बीमारी का संक्रमण ज़्यादा नहीं हो। दूसरा, हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या ऐसे उपाय हैं जिनसे कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के कारण संक्रमण का असर शरीर में कम से कम होता है। जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स कोरोना के सिम्टोमेटिक मिल रहे हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक मिल रहे हैं, मतलब जिसमें लक्षणों की जो प्रभावशीलता है वो बहुत कम है, मतलब कि उनमें लक्षण नज़र नहीं आते हैं। हालांकि वो हो सकता है वो पॉजिटिव हों कोरोना से, लेकिन उनमें लक्षण प्रकट ही नहीं होते। तो उसका कारण है कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वायरस उनके शरीर में असर नहीं कर पा रहा है, और वो कुछ ही दिनों में वापस ठीक भी हो जाते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, हम आयुर्वेद में क्या क्या ऐसी औषधियाँ हैं जिनको अपना करके हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद बहुत प्राचीन भारत की, जिसको कहें धरोहर है, बहुत प्राचीन पद्धति, विश्व की प्राचीनतम पद्धतियों में इसका शुमार है, या ये कहें कि समस्त चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है वो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद में जो बेस है, आयुर्वेद चिकित्सा का जो आधार है, वो वनौषधियाँ हैं और प्राकृतिक सिद्धांत जो है आयुर्वेद के, जो पंच महाभूत के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं और त्रिदोष सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। तो सभी द्रव्य, जितने भी औषधि द्रव्य हैं, उनका संगठन भी ऐसा माना जाता है कि वो भी पांच भौतिक संगठन से निर्मित हैं, और अपना शरीर भी पांच भौतिक संगठन से निर्मित है। तो इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे, कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिनको हम लगातार सेवन करने से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और कोरोना महामारी से बचे रह सकते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है, जिसको कि आयुर्वेद में रसायन औषधियाँ भी कहते हैं, सबसे पहला नंबर आता है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। जब ये बीमारी फैलनी शुरू हुई विश्व में, तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सलाह देना शुरू किया कि भाई इसमें भोजन में प्रोटीन का सेवन करें, विटामिन सी का सेवन करें,
तो आंवला आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण रसायन औषधि है, मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इस दौर में आंवला किसी भी प्रकार से सेवन करें, चाहे आंवले के मुरब्बे के रूप में सेवन करें, आंवले का पाउडर के रूप में सेवन करें, या आंवले के जो कुछ औषधीय योग आते हैं जैसे आमल की रसायन है, च्यवनप्राश अवलेह है, ब्राह्म रसायन है, तो इस तरह की औषधियों का सेवन किया जा सकता है। दूसरा है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी आयुर्वेद की रसायन औषधियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और शरीर की वाइटलिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसका भी सेवन नियमित तौर पर किया जा सकता है। इसका 2 से 3 ग्राम पाउडर के रूप में दूध के साथ में, और दूध नहीं हो तो पानी के साथ में इसका सेवन किया जा सकता है। तीसरा नंबर आता है जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है जन सामान्य में, उसका नाम है गिलोय। गिलोय एक बेल होती है, बेल प्रजाति का पौधा होता है और प्राय सभी जगह आसानी से लग भी जाता है और आजकल काफ़ी लोग इसको जानने भी लग गए हैं। तो गिलोय का जो तना है ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत ही अच्छा औषधि और बहुत ही लोग भाग इसको जानने लग गए हैं और इसका इसके ऊपर वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, जिससे कि साबित हुआ है कि ये कई प्रकार की जो शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र है उसको मजबूत करता है। इसका कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है। इसका सूखा पाउडर जो है उसको उबाल करके पानी में लिया जा सकता है, या इसका जो तना है उसका कम से कम 2 से 3 इंच तने का भाग लेकर के, मोटा तना हो उंगली के बराबर, उसको पानी में कूट करके, पानी में उबाल करके तुलसी अदरक आदि के साथ में बना करके डिकॉक्शन, जिसको कि काढ़ा भी बोलते हैं, उसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में आता है तुलसी का नंबर। तुलसी वैसे तो बहुत सामान्य पौधा है, सभी लोग जानते हैं कि तुलसी बहुत अच्छा है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए है और हमारी संस्कृति में तो तुलसी का वैसे भी महत्व है, घरों में लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा भी मिल जाता है, लेकिन हम उसको नियमित तौर पर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है लेकिन नियमित तौर पर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अभी इस समय में तुलसी का नियमित तौर पर प्रयोग करें, गिलोय के साथ में करें, अश्वगंधा के साथ में करें, आंवले के साथ में करें, या खाली तुलसी के पत्ते ही कम से कम 20 पत्ते इसके लिए जा सकते हैं, खाने के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, या फिर इसको उबाल करके गिलोय के साथ में भी लिया जा सकता है। इसके बाद में आता है हल्दी। हल्दी भी हमारे घरों में उपयोग होने वाली बहुत ही साधारण, जिसको सभी जानते हैं, एक औषधि भी है और मसालों के तौर पर भी उपयोग होती है। तो हल्दी का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अपने भोजन में करें, दूध में हल्दी उबाल करके लें। हल्दी का भी 1 चम्मच 1 कप दूध में उबाल करके लिया जा सकता है। इसके बाद में आता है दालचीनी। दालचीनी वैसे तो गर्म मसालों में शामिल होता है, लेकिन दालचीनी भी एक बहुत ही अच्छा रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने वाला एक द्रव्य है, औषधि है। इसमें कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, मतलब उड़नशील तेल होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा जीवाणुनाशन का कार्य करते हैं, जीवाणुनाशन और विषाणु रोधी दोनों ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार लवंग है, लौंग। लौंग में भी जीवाणु रोधी और विषाणु रोधी गुण होते हैं, इसमें भी उड़नशील तेल होते हैं जो कि, और गले के लिए लौंग वैसे भी काफ़ी अच्छा उपयोगी है, कई तरह के गले के संक्रमणों में ये रोकने में लाभकारी है। साधारण तौर पर हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम खांसी में लोग बाग लौंग का प्रयोग करते हैं, भून करके लौंग को लेते हैं या फिर चाय में या पानी में डाल करके उबाल करके प्रयोग करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक औषधि के रूप में है और मसालों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आता है छोटी पीपल। छोटी पीपल हालांकि आमतौर पर लोग बहुत कम काम में लेते हैं और बहुत ज़्यादा सामान्य उपयोग में नहीं आती, लेकिन गर्म मसालों में इसका भी उपयोग होता है और ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी औषधीय द्रव्य है।
लेकिन इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिनकी प्रकृति उष्ण है, गर्म प्रकृति वाले लोग, या जिनको किसी प्रकार का रक्तस्राव संबंधी व्याधि है, उन्हें दालचीनी, लौंग, पीपल, इनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए, या फिर आपके नज़दीक कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, प्राकृतिक चिकित्सक हो, उनसे सलाह के उपरांत करना चाहिए। इसी प्रकार काली मिर्च का उपयोग भी कफ संबंधी विकारों में, खांसी में, जुखाम में साधारण तौर पर काफ़ी किया जाता है। इसकी भी प्रकृति उष्ण है, तो इसका भी सावधानी से प्रयोग करें, आवश्यक हो तो एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करें, निश्चित मात्रा से ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। काली मिर्च के दाने 4 से 5 दाने एक बार में काम में लिए जा सकते हैं। इसके बाद में आता है त्रिफला। त्रिफला यूँ तो बहुत आयुर्वेद का साधारण योग है, लोग बहुत काफ़ी जानते हैं त्रिफला पेट के लिए, उदर विकारों के लिए, कब्ज के लिए काफ़ी उपयोगी है, लेकिन त्रिफला का एक उपयोग रसायन के रूप में भी है। रसायन का मतलब है कि एक रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में ये भी डेवलप करता है, क्योंकि इसमें आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, तो आंवला रसायन है, बहेड़ा भी रसायन है, हरड़ भी रसायन है, लेकिन बहेड़ा का मुख्य तौर पर उपयोग श्वसन संबंधी विकारों में किया जाता है, तो ये श्वसन संबंधी विकारों के लिए, कफ संबंधी विकारों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इस प्रकार त्रिफला एक अच्छा उपयोगी औषधि है। इसके बाद में आता है एक आयुर्वेद का बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही अच्छा कफ विकारों के में उपयोग आने वाला एक योग है, इसका नाम है सितोपलादी। सितोपलादी चूर्ण जो है ये बहुत साधारण लेकिन बहुत ही प्रभावकारी योग है। साधारण सर्दी, जुखाम, बुखार, बार बार होने वाला हल्का हल्का रहने वाला बुखार, इसमें ये काफ़ी उपयोगी है। इसमें मुख्य तौर पर 5 चीज़ें हैं। इसमें है इलायची, दालचीनी, छोटी पीपल, वंशलोचन और शर्करा, यानी चीनी या मिश्री। तो ये 5 चीज़ों से मिलकर के बहुत ही उत्तम एक योग बना है, जो कि साधारण सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार में बहुत उपयोगी है, और इसका लंबे समय तक भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा एक आयुर्वेद का योग है। इसके साथ में ही, जिसका आजकल आयुष मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से सलाह दी है, च्यवनप्राश। आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक रसायन योग है च्यवनप्राश, जिसमें कि आंवला मुख्य घटक है। इसका भी लगातार सेवन करना चाहिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर को पोषण मिलता है, शरीर में बल की प्राप्ति होती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आहार, औषधि के बाद में आहार। आहार किस तरह का हो हमारा कि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकें और रोगों से बच सकें। तो सबसे पहला इसमें आता है कि हम जो भी भोजन करें, अपने घर पर ही बना हुआ ताज़ा भोजन करें, हल्का भोजन करें, सुपाच्य हो, जो आसानी से पच जाए और जिसमें पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से समावेश हो। पोषक तत्वों से तात्पर्य अगर आधुनिक तो उसमें दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिसमें भरपूर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि सम्मिलित हों। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला और मुख्य जो हमारे भोजन का अंश जो होता है वो है अनाज। अनाजों में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर अच्छी मात्रा में होती है, मतलब कि ज़्यादातर जो उसमें जो उसका संगठन है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। अनाज में जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, मक्का है, ये चीज़ें हम भोजन में शामिल कर सकते हैं। और कोशिश इस समय ये करनी चाहिए कि हम अपने घर का बना हुआ ताज़ा भोजन ही प्रयोग में लें, बाहर का जो फास्ट फूड है या किसी भी तरह का स्ट्रीट फूड है उससे बचें, मतलब कि बिल्कुल ही नहीं लें। क्योंकि बाहर जब आप भोजन करते हैं आपको साफ़ सफाई का बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि उसने किस तरह से बनाया है, तो इसमें हो सकता है कहीं से संक्रमण आ जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए, संक्रमण से दूर रहने के लिए अपने घर का बना हुआ ताज़ा भोजन करें। अनाज के बाद में आती हैं दालें।
दालें एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इस समय जैसा कि बता रहे हैं कि भोजन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, समुचित मात्रा में प्रोटीन शरीर में जाना चाहिए, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और मांसपेशियों को मजबूती भी प्रदान करता है। तो इसमें दालों में सबसे पहला नंबर आता है मूंग की। मूंग दालों में सबसे अच्छा सर्वोत्तम दाल मानी गई है, क्योंकि एक तो ये सुपाच्य होती है, आराम से पच जाती है, और पथ्य जिसको अपन कहते हैं वो होता है। इसके बाद में उड़द ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने भोजन में दैनिक तौर पर शामिल करनी चाहिए। इसके बाद में सब्जियां, हालांकि अभी कोरोना महामारी के संक्रमण के काल में लोगों में काफ़ी डर बैठा हुआ है कि भाई सब्जियों को किस तरह से प्रयोग करें, कितने कितने हाथों से निकल करके आते हैं, तो कोशिश ये करें सब्जियों को ला करके सबसे पहले अच्छी तरह से उनको धोएं, सादा पानी में या गर्म पानी में, गर्म पानी में थोड़ी देर लगातार उसको धोएं, या फिर टैप वाटर में उसको साफ करें, मतलब लगातार जो प्रवाह बना हुआ है जल का उसमें साफ करें, थोड़ी देर पानी में डाल करके रखें, नमक डाल करके रखें, नमक के पानी में डाल करके रखें, और फिर उनको अच्छी तरह धो करके सुखा करके, फिर सुखाने का मतलब है उसका पानी सूख जाए, फिर उसके बाद में उसको बना करके कुक्ड वेजिटेबल्स काम में ली जाएं। कच्ची वेजिटेबल्स जहाँ तक हो सके काम में नहीं लें, उनको रॉ मतलब कच्चे रूप में नहीं खाएं। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा में सलाद का बड़ा महत्व है, लेकिन अभी मैं आपको सलाद खाने की सलाह नहीं दूंगा। आप जितनी भी सब्जियां हैं उनको पका करके खाएं। प्राकृतिक चिकित्सा में सब्जियों के सूप का भी विधान है, तो मेरी ये सलाह है कि इस समय जितना हो सके आप सब्जियों का सूप सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। सूप में क्या होता है कि एक तो जो उसका मोटा हिस्सा है वो निकल जाता है, मतलब कि उसको छान लिया जाता है, सब्जियों को उबाल करके उनको ग्राइंड करके और उनको छान लिया जाता है, तो जो उसका जो लिक्विड स्टेट जो है वो अपने को मिलता है, और जब आप उसको नवाया नवाया पीते हैं तो गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मान लो गले का किसी को कोई छोटा मोटा संक्रमण है तो उसमें सब्जियों का सूप बहुत फ़ायदेमंद है, और सब्जियों को मिला करके भी बनाया जा सकता है, जैसे लौकी है, टमाटर है, टिंडा है, तोरई है, कद्दू है, इनको मिला करके भी बनाया जा सकता है, और इनका अलग अलग रूप में भी, विशेष रूप से टमाटर और लौकी का सूप तो अलग अलग तौर पर भी बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा गले के लिए और भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वो है, तो इसको आप काम में ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है जो शरीर में ताकत देने के लिए है, वो है हम जिसकी हमें ज़रूरत भी रहती है, वो है हमारा फैट या वसा वर्ग, जिसमें कि दूध, घी, तेल आदि शामिल किए जाते हैं। तो इस समय में दूध अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, घी भी लेना चाहिए, और तेल का विशेष रूप से सरसों के तेल का प्रयोग भोजन में करना चाहिए, और सेकंड नंबर है मूंगफली के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। अन्य तेलों के मुकाबले ये हमारे पारंपरिक तेल हैं और इनका भोजन में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम सूखे फलों का भी शामिल कर सकते हैं, सूखे फलों को धो करके काम में ले सकते हैं, भिगो करके और उनको भोजन में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पीने में कोशिश ये करें कि जल को किस प्रकार से प्रयोग में लें, जैसे सुबह उठ करके हम नवाया पानी पिएं, शाम के भोजन के बाद में नवाया पानी पिएं। हालांकि अभी गर्मी का समय है, नवाया पानी बहुत अच्छा लोगों को लगता नहीं है, लेकिन फिर भी गले के संक्रमण से बचने के लिए नवाया पानी एक बहुत ही अच्छा औषधि का ही काम करता है, ये मान लीजिए, इसको जल चिकित्सा के रूप में आप काम में ले सकते हैं। और अब हम बात करें योगासन की, प्राणायाम की, क्योंकि औषधि और आहार के बाद में हमारा विहार, मतलब कि व्यायाम, ये वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो चुका है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोध करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि हो जाती है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम व्यायाम करने से मजबूत होता है। तो हम कोशिश करें कि नियमित तौर पर 20 मिनट से आधा घंटा व्यायाम के लिए, योग के लिए, प्राणायाम के लिए निकालें। बहुत साधारण योगासन है वो भी किए जा सकते हैं, हलासन है, सर्वांगासन है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, भुजंगासन है,
शलभासन है। इसके अतिरिक्त ये कोरोना महामारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसमें प्राणायाम का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि प्राणायाम हमारे फुफ्फुसों को, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। तो इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, इनका अभ्यास नियमित तौर पर किया जा सकता है। ये तीनों ही प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए, श्वसन फुफ्फुसों की जो कैपेसिटी है उसको, ऑक्सीजन को शरीर में बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ठीक है, आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।